बनी रहेगी। सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार होने के कारण प्रदेश सरकार ने रविवार को मिठाई व राखी की दुकान को खोलने का निर्देश जारी किया था। गांव से लेकर नगरों तक राखी व मिठाई की दुकान पर नाम मात्र के ही लोग दिखाई दिए। पिछले वर्ष की तुलना में यदि देखा जाए तो इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर 30% ही लोग दुकानों पर दिखाई दिए। सुबह और दोपहर के समय मिठाई व राखी की दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और शाम के समय कुछ ग्राहकों की भीड़ दुकानों पर दिखाई दी। शाम को छोड़कर पूरे दिन लॉकडाउन दुकानदार ग्राहकों को प्रतीक्षा करते हुए दिखाई दिए, पर इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर कोविड का साया दिखाई दे रहा है, जिससे दुकानों पर सन्नाटे की स्थिति बनी हुई है। बिक्री नहीं है सर, खोआ का भी नहीं खुला हुआ है, खोआ मिल भी नहीं रहा है, महंगा भी है और ग्राहक एकदम नहीं है, किसी को मालूम भी नहीं है कि आज खुलेगा। पहले जैसे बिक्री में बहुत डाउन हो गया है, कोरोना के वायरस की वजह से कोई आ भी नहीं रहा है और दो दिन का लॉकडाउन भी था, इसकी वजह से बिक्री बहुत कम है। पहले साल के हिसाब से इस बार राखी की बिक्री बहुत कम हो गई, कोई कस्टमर नहीं आ रहे हैं।